बरका सयाल के एसडीएम कार्यालय के समीप सब स्टेशन में सयाल पोडा पक्का ढोडा के ग्रामीणों ने सब स्टेशन का घेराव किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि पिछले 15 दिनों से बिजली पानी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सीसीएल प्रबंधन के द्वारा हर बार झूठे आश्वासन देकर टाला जा रहा है। प्रत्येक महीने में 3-3 दिनों तक बिजली नदारद रहती है, जिससे बरसात के मौसम में सांप बिच्छू निकलने का डर सताता रहता है। वहीं क्षेत्र में पानी की घोर समस्या है। पानी भरने के लिए महिलाओं को मीलों दूर जाना पड़ता है। पत्रातु से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। बिजली हम लोग का 15 दिन से कटा हुआ है और हम लोग का आश्वासन मिल रहा है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, और अभी तक नहीं मिला है। कितने दिन से लाइट कटी? 15 दिन आज लगभग हो गया। एक दिन बीच में लगाया और दूसरा दिन उड़ गया। और महीने महीने मतलब ये 6 महीना से हम लोग को प्रॉब्लम है। 6 महीना में 2-3 ट्रांसफार्मर लग गया है, लेकिन एक भी ठीक नहीं रहा है। यहाँ से आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिलता है आज लगेगा, कल लगेगा, और वही बात है। और हम लोग अंधार में, और हम लोग का बहुत उधर थोड़ा क्षेत्र में बहुत झाड़ी जंगलों या सांप पीछा लंदफन सब निकलता है, और नहीं है तो दिखा देंगे फोटो भी। और हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है, और हम लोग का सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं मिलता है। पानी का भी बहुत मुसीबत है। राजकुमार प्रसाद टाइम देखेगा चला या नहीं चलेगा, टाइम देखेगा हो गया। और वहाँ का आदमी देखने नहीं जाता है। एक दिन घंटा पानी दिया चला, सब लोग यहाँ से 1 किलोमीटर पानी ढो करके पी रहा है। और बिजली के लिए तो 15 दिन से हम लोग मर रहे हैं। बहुत दिक्कत है।